लुधियाना देहाती भाजपा प्रधान पवन कुमार टिंकू नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों उन्हां दे माता जी माता चंद्रकांता पाठक जी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। माता चंद्रकांता जी हुणां दा जन्म सन 1935 विच पिंड पड़ी नेड़े खन्ना जिला लुधियाना विखे पिता पंडित राम नारायण ज्योति हुणां दे घर माता सवित्री देवी हुणां दी कुखों होया। माता जी हुणी 7 भैण भरा सन। माता जी बचपन तों ही बहुत ही मिठ बोलदे सुभा दे मालिक अते बहुत ही सहनशील बिरती वाले सन। आप जी दा विआह सानेवाल निवासी श्री मंगत राय पाठक हुणां दे नाल 1958 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपने गुणां दी महक अपने सहुरे घर बिखेरनी शुरू कर दिती। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते अपने पति दी तरक्की विच आप जी ने बहुत योगदान दिता। आप जी दे घर दो सपुत्रां पवन कुमार टिंकू अते कमल पाठक अते सपुत्रियां अनीता राणी अरुण बाला किरण बाला अते आशु शर्मा ने जन्म लिया। माता जी ने अपने सारे बच्चियां नूं खूब पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने कम्मां विच अपनी माता जी दे नाम नूं उच्चा चुक रहे हन। आप जी दे सपुत्र पवन कुमार टिंकू जिला देहाती भाजपा प्रधान हन अते आप जी दे दूसरे बेटे कमल पाठक लिज्जत पापड़ दे अकाउंटेंट हन अते आप जी दी बेटी अनीता राणी ईटीओ हन अते आप जी दी दूसरी बेटी अरनपाला उत्तरी भारत विच लिज्जत पापड़ दे संचालक हन अते आप जी दी बेटी आशु शर्मा अमरीका विच अपने माता जी दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन अते आप जी दी बेटी किरण बाला अपने सहुरे घर अपने गुणां दी महक बिखेर रहे हन अते अपनी माता जी दे नाम नूं उच्चा चुक रहे हन। माता जी बहुत ही मिठ बोलदे सुभा दे मालिक सन अते अपनी मिठी वाणी नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। आप जी बहुत ही धार्मिक बिरती दे मालक सन। गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक नूं दिल खोल के दान दिया करदे सन। आप जी ने जिंदगी विच बहुत मेहनत कीती अते अपने परिवार दे नाम नूं सानेवाल दे विच चमकाया। अज सानेवाल दे विच आप जी दा परिवार एक नामी परिवार है जो सब माता जी हुणां दी मेहनत अते संघर्ष दी बदौलत है। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों मोहनी पैलेस कोहाड़ा रोड सानेवाल विखे करवाया गया जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। अज आप सारे एक महान विभूति आदर्श मां आदर्श गृहिणी आदर्श देवी आदर्श नारी आदर्श भैन आदर्श भगतानी जिन्हां ने इस नश्वर संसार का बड़ा लंबा सफर किया और अंत समय इस नश्वर संसार को छोड़ के नश्वर शरीर का परित्याग करके परिपूर्ण पर पिता परमात्मा राम रहीम मंगा और वाहेगुरु जो सरकार पुरख के चरण कमान स्थान पा गया है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। दुकानदार ने सोचा कोई गाप है उन्होंने गल्ला करदे करदे फोन आया कर लिया। दुकानदार देखो कैसा जीवन उन्होंने जिया कितनी वड्डी लाइन उन्होंने अंतिम अरदास ਐਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਜੀਓ ਬਸ
ਲਾਈਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਿਆ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਈ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ औरंगाबाद किदे नाते है औरंगजेब के नाते है सुनी चलो औरंगजेब कौन सी मुसलमाना दा बहुत बड़ा राजा ओदी उत्थे मजार है कबर है ओदी औरंगजेब दी ओदे तुसी जाके आओ कदे जदों जाओ हजूर साहब जरूर उत्थे 5 मिनट लाओ ओदे आले दुआले भैन जी जिथे ओदी कबर है फसल होनी ता दूर घा भी नहीं उगदा उत्थे कद गेड़ा मार के बिल्कुल सफेद भूमि है फसल होनी तो दूर घा भी नहीं उगता चंगी माड़ी था तो मामा रोक दिया मुफ्त चैनिया नेक सलाह लभदिया तुर जावण एक बार ते मामा लभदिया मां दे वांगू कीने दर्द बढ़ाउणा ऐनी बुहा खड़किया कीने आउणा मोरियां विच वी वेखदे ने फलाने दे की होई जांदे ये मेन गेट खोल दो कोई अंदर ही ना बड़े दुनिया का दस्तूर है ना मोरिया बिच भी देखी जाना भी की हो जाना ये मेन गेट खोल दो अंदर ही बढ़ता है मां दे बांधू कीने दर्द बढ़ाउणा ऐनी बुहा खड़किया कीने आउणा ऐनी रौले पाना खामा लभदिया नी तुर जावण इक ते मामा लभदिया सादगी की लाज बावल की उन सवालों की याद आती है जाने वाले तो कभी वापस नहीं आते परंतु जाने वालों की याद जननी जने तो भक्त जन ऐ जो बेटे पैदा की थे ज्यादा पा जा शूर नहीं तो जननी बांज रहे काहे तो बाबे नूर उन्होंने बड़े बेटे पवन कुमार जी पाठक साहब बहुत बड़े सतगुरु की सेवा नाल जुड़े हुए हैं दूसरे बेटे उन्होंने कमल पाठक जी ये भी माता के पद चिन्हों से चल रहे हैं शगन बन के सेवा की वड्डी नूरानी मंजू वाला पाठक छोटी मंजू पाठक धी बन के सेवा की अंत समय कोई तरफ नहीं हो उन्होंने पुत्रियाँ श्रीमती किरण वाला श्री अशोक कुमार जी लोकल सानेवाल दूसरी बेटी उन्होंने अरुणा शर्मा श्री सुनील शर्मा जी लुधियाना तीसरी बेटी ATO है वह ऊंचे पद पर हैं और बखूबी जो सरकार ने ड्यूटी लगाई उसको निभा रहे श्रीमती अनीता सोढ़ी और उनके जमाई राजा एक कमिश्नर है रिटायर्ड सुखविंदर से सोढ़ी पटियाला से और दूसरे तीस चौथे नंबर पे आशीष शर्मा श्री राजीव जी शर्मा ये US के डॉक्टर हैं आइए आगे उनके पोते ये कनेडा है भागीश पाठक और छोटा मानिक पाठक आगे उनकी पोत्री हैं ये भी कनेडा है अनमोल पाठक और अर्पिता पाठक और तीसरे नंबर पे अनुराग अनेजा और उनके पौत जमाई श्री गैरी जी अनेजा लोकल सानेवाल से शोकाकुल दुखी हृदय पाठक परिवार और बीबी ने जहाँ जन्म लिया उनका मायका पड़ी खन्ना के पास पैत का परिवार यहाँ उन्होंने बेटी बन के रोल निभाया फिर बहन बनी फिर पत्नी बनी फिर पत्नी के बाद माँ बनी माँ के बाद दादी बनी फिर नानी बनी बखूबी खूबी जो भी उनको सकुर ने मेल गाई बिल्कुल पारदर्शिता से तो आइए मैं आमंत्रित करूँगा मंच मंत्री जी
लोका गुरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हमसे दूर जाके हम सबको रुला के तुझको क्या मिला है, तेरी याद आती है।
ये सब उस माता जी वालों प्रेरणा दी गई अपने बच्चों को जिन्होंने समाज के उन्होंने पद चिन्ह के चलते हुए एक बहुत उच्च स्थान बनाया। जो उन्होंने ऐसे परिवारों को प्रेरित करके एक छोटा जिहा घरेलू उद्योग शुरू करके उन्होंने सारे परिवारों के साथ जोड़िया, ये बहुत बड़ी देन पाठक परिवार की माता जी इस समाज में समझ क्षेत्र में। सो मैं नमन करता साढ़े विराजमान ने माननीय जिला संचार राष्ट्रीय संसद संघ तो डॉक्टर राजकुमार जी, साढ़े प्रांत संघ के प्रचारक श्रीमान प्रमोद जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री किसान संघ श्रीमान लीलाधर जी, प्रांत सेवा प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी, विभाग सह कार्यवाह श्रीमान राम सिंह जी, सह जिला कार्यवाह श्री कृष्ण दुग्गल जी, साढ़े बहुत सत्कार माननीय फूलचंद जैन जी, पटियाला विभाग प्रचारक श्रीमान जतिंदर जी, बौद्धिक प्रमुख जिला श्री राजन जी, जो कि परिवार का संघ परिवार के नाल बहुत नेड़ता का संबंध रहा और हमेशा संगठन के क्षेत्र उन्होंने किया था उदा संगठन के सब प्रमुख लोग आज की श्रद्धांजलि सभा उपस्थित ने। बहुत सारिया सत्कारक शख्सियत जिन्होंने परिवार के नाल घर आके दुख बंडाया, मैं कुछ नाम जो मेरी जानकारी चाहिए मैं थोड़े साझे करने की कोशिश करूँगा। लोकल MLA रणजीत सिंह ढिल्लों जी, पूर्व मंत्री हीरा सिंह गावड़िया जी, पूर्व स्पीकर अटवाल जी, संता सिंह अमेदपुरी जी, सुखविंदर पाल गरिया जी, श्री मनोरंजन कालिया जी एक्स मिनिस्टर पंजाब सरकार, और श्री विजय सांबला जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे ने, उन्होंने परिवार के नाल इतने हाजिर नहीं हो सके लेकिन परिवार की संवेदना परिवार को मिलकर व्यक्त की है। मैं परिवार वालों धन्यवाद करना। श्रद्धांजलि समारोह च उपस्थित बुजुर्गों माताओं बहनों के भरा मां जग जननी असी सारे उदे अंश है और इस सृष्टि की कल्पना बगैर मां तो हो ही नहीं सकती। अगर मां ना होती तो सृष्टि ना होती। किसी दार्शनिक का कहना है कि शायद परमात्मा हर जगह नहीं हो सकता सर, जे तीर्थां ते जाना ते मां बाप की सेवा करो, मां बाप का अंगन ही थोड़ा सपना बड़ा तीर्थ है। ऐसी ही मां शिक्षा मैं अनेक बार उन्होंने दर्शन करने का मौका मिलया, उन्होंने आशीर्वाद लैन का मौका मिले। बड़े ही साधारण, बड़े ही सरल, बड़े ही सहज महिला, बड़े ही उच्च विचार प्रवृत्ति तो सहायता के नाम पूरे परिवारिक और जिम्मेवार मेहनत। जब पिताजी की शहादत हुई मैं उस समय आज से उन्होंने दृष्टि च भी सी, प्रोफेसर कपिला उन्होंने भी शहादत हुई लगभग उन्होंने बचाते बचाते। श्री रविंद्र अरोड़ा जी जो कि पूर्व प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी लुधियाना के, उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव भेजे गए, वो आप भी आके गए हैं। डॉक्टर सुभाष वर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी लुधियाना के एक्स प्रधान ने, वो मौजूद भी ने, और कौंसलर इंद्र अग्रवाल जी वो भी आप मौजूद ने, कुलवीर सिंह जी एक्स चेयरमैन पैरो मुंडा तो विशेष तौर पर परिवार का संदीप व्यक्त करते हैं। श्री कमल चेतली जी सीनियर आगू भारतीय जनता पार्टी वो भी मौजूद ने, और विशेष तौर पर अपना
श्रोमणी अकाली दल वालों शरणजीत ढिडो जी परिवार के दल घर भी आके पहुंचे ने उन्होंने भी धन्यवाद करता। बहुत सारे शोक प्रस्ताव श्री अनूप शर्मा जी वालों खन्ना के जो मंडल प्रधान ने सेवा भारती रजिस्टर खन्ना वालों केशव नरसिंह होम माछीवाड़ा पूजा सानिया प्रेजिडेंट भारतीय महिला मोर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला लुधियाना विश्व हिंदू परिषद खन्ना वालों स्वर्णकार राजपूत सभा रजिस्टर वालों आल पंजाब टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन अर्बन स्टेट वेलफेयर सोसाइटी फेस दो दुगरी जमातपुर लुधियाना वालों लुधियाना निष्काम वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड जमातपुर डोल मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन प्रचम शिवाला मंदिर प्रचीत शिवाला मंदिर कमेटी रजिस्टर्ड पुराना बाजार सानिया श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा सुभानी बिल्डिंग लुधियाना इन्होंने वालों शोक प्रस्ताव आए थे। माता जी बहुत ही चंगे सुभा के मालिक और उन्होंने इनिया खूबिया सन मैं जिस मौके इलेक्शन की शुरुआत करनी मैं पवन का टिंकू में गल जरूर कहनी कि एक बार माता जी का आशीर्वाद लेके आ इन्होंने घर के सामने मंदिर है उत्थे जा के मैंने सरोपा भी देना आशीर्वाद भी देना पर परमात्मा के रंग ने अज तो 8 महीने पहला भी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जबकि उस मौके उन्होंने बचन की कोई आस नहीं सी यही सी अज गए कद गए लेकिन उसका परमात्मा ने इन्नी बख्शिश की बिल्कुल सही सलामत होके घर में वापस आए हूँ बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ अचानक दुनिया के बच्चों चले इस परिवार के हमदर्दी का प्रगटावा भी करता है तो गुरु महाराज ने यही अजू करना कि सच्चे वाहेगुरु इस तस्वीर अपने चरणों के नाश बख्शो तो पिछले सारे परिवार को पाला मुद्दा वाह बख्शो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी साढ़े प्राचीन ग्रंथों के अंदर एक श्लोक आता है आहार निद्रा भय वैतरुंच सामान्य वैतु पशु विंदराणा धर्म ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेन हीना पशु समान। तो मैं समझता है कि उस धर्म की रक्षा और धर्म का पालन करते हुए माता जी ने जिथे अपना जीवन सफल किया है उत्थे अपना जीवन सार्थक भी सिद्ध किया क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना परिवार पालिया तो अपने बच्चों को भी ये संस्कार दिते है कि अपना परिवार पालते पालते बाकी समाज की सेवा भी करनी है और वो इस काम के सफल भी हुए हैं। जिस तरह रजनीश जी ने दसिया कि 500 परिवारों को पालन का काम साढ़े इस माता जी ने बच्चों ने किया है और कर रहे हैं और अगर इस परिवार को होर वड्डा करन दी उन्होंने योजना बनाई तो मैं समझता हूँ कि अपना जीवन सार्थक करके गए ने और सानू इस परिवार को प्रेरणा लेनी चाहिए है माता जी के जीवन तो प्रेरणा लेनी चाहिए है कि असी अपना जीवन जीते जीते बाकियों की सहायता किस तरह कर सकते हैं क्योंकि साढ़े संत ऋषियां मुनियां ने दसिया परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय दुमंती गावा इस अपने पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि देने वास्ते पहुंचे हुए सब लोगों का दिलों धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक परिवार का दुख वंडाने योगदान पाया है।
और परम पिता परमात्मा अगर भी बेनती करते हैं कि पूज्य माता जी को अपने श्री चरणों के स्थान दे और परिवार रिश्तेदार सगे संबंधी दोस्त मित्र उन्होंने भी माता जी के जान का दुख सहन करने का बल बख्शन इन्हें ही निवेदन करना सी। ओम शांति शांति Yeah.